तो ये सारी इमेजेस को डिजाइन करने के लिए मैं एक टूल का यूज करता हूँ, फ्री टूल है। नमस्कार दोस्तों, एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अपने ब्लॉग को किस तरीके से डिजाइन करता हूँ, और स्पेशली जो मेरे ब्लॉग की फीचर्ड इमेजेस होती हैं वो कैसे डिजाइन करता हूँ। तो अगर आप भी ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं कि आप अपने ब्लॉग के लिए फीचर्ड इमेजेस, कस्टम ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स और ये सब टाइप की इमेजेस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वो भी एक फ्री टूल का यूज करके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ब्लॉग पर और दिखाता हूँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पर, तो ये देखिए गाइज, मैं आ गया हूँ अपने ब्लॉग पर masterblogging.com। और अगर आप मेरे ब्लॉग के फीचर्ड इमेजेस देखेंगे, देखिए मैं इन इमेजेस की बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे आर्टिकल्स की इमेजेस होती हैं इन्हें बोलते हैं फीचर्ड इमेजेस। तो ये इमेजेस मैं किस तरीके से डिजाइन करता हूँ, और अगर आप किसी आर्टिकल में जाएंगे, जैसे कि ये आर्टिकल है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी ये इमेजेस हैं, जैसे कि ये वाली, तो ये जो कस्टम इमेज है, ये जो वेक्टर ग्राफिक है, ये मैंने कैसे डिजाइन किया है, ये वाली इमेज आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारी इमेजेस को डिजाइन करने के लिए मैं एक टूल का यूज करता हूँ जिसका नाम है कैनवा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैनवा को कैसे यूज करता हूँ। तो हम आ गए हैं canva.com पर। आप पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए क्रिएट अ डिजाइन पर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हमें क्या क्रिएट करना है। हमें ईबुक का कवर डिजाइन करना है या हमें फेसबुक का कवर डिजाइन करना है। आप इस टूल को मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम डिजाइन करने वाले हैं अपने ब्लॉग के लिए फीचर्ड इमेजेस, तो हम जाएंगे कस्टम डायमेंशंस पर। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमसे साइज पूछ रहा है, तो मैं जो साइज यूज करता हूँ वो है 1200 x 628। विड्थ आपको डालनी है 1200 और हाइट आपको डालनी है 628। इसका रीजन ये है कि जो ये डायमेंशन है, ये हर सोशल मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर, इन पर आप अगर आप अपना आर्टिकल शेयर करते हैं तो ये इमेज अच्छे से विजिबल होती है, अच्छे से प्रॉपरली शो होगी। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं क्रिएट डिजाइन। देखिए अब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस आ गया है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा टॉपिक होता है, जैसे कि मेरे लास्ट आर्टिकल का टॉपिक था बेस्ट ट्रेवल ब्लॉग्स, तो यहाँ पर मेरा एक आर्टिकल जो है वो ट्रेवल टॉपिक पर है। तो जो भी मेरा टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग मैं एक इमेज को सर्च करता हूँ। तो उसके लिए आप जाएंगे फोटोज के अंदर, और यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है, जैसे कि मेरा टॉपिक है ट्रेवल, मैंने ट्रेवल सर्च किया, तो अब यहाँ पर जो ट्रेवल से रिलेटेड इमेजेस हैं वो आपके सामने आ गई हैं। तो जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है, जैसे कि ये इमेज मेरे को अच्छी लग रही है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये इमेज आ जाएगी आपके कैनवस पे। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैंने पूरे कैनवस पे इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं लेता हूं एक रेक्टेंगल। तो आप उसके लिए एलिमेंट्स में जाइए। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहां पर हमें एक रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं सर्च करता हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सर्च करने के बाद जो भी आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए, और यहां से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देखेंगे मेरी इमेज में, मेरी इमेज के ऊपर एक ब्लैक लेयर है, तो इस लेयर को लाने के लिए मैं इस रेक्टेंगल का यूज करता हूँ। तो मैंने इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर दिया। अब इस लेयर को आप पूरे कैनवस के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, ये मैंने पूरे इमेज पर इसको फैला दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी ट्रेवल वाली, वो इस ब्लैक लेयर के पीछे हाइड हो गई है। तो उसको हल्का सा विजिबल करने के लिए आप ब्लैक लेयर की ओपेसिटी को कम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे। तो मैं रखता हूं यहां पर 75। ये आप देखिए 75 करने के बाद हमारी पीछे वाली जो इमेज थी ट्रेवल वाली, वो अच्छे से हल्की सी विजिबल हो रही है, और हमें यही चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं रखता हूं एक आइकन। आप देखिए जो मेरी इमेज में सारे आइकन्स हैं, ट्रेवल के रिलेटेड, आइडियाज के रिलेटेड, या फिर मैं अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ तो उसका आप लोगो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आइकन्स का यूज करता हूँ। तो चलिए एक आइकन सर्च करते हैं ट्रेवल का। तो इसके लिए आप एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पर सर्च कर लीजिए अपना टॉपिक। तो मेरा टॉपिक है ट्रेवल।
अब देखिए मैंने ट्रेवल सर्च किया तो यहाँ पर मेरे पास आइकन्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ आइकन्स तो फ्री हैं, जैसे कि पहला वाला, आप इस पर कर्सर लेके जाइए तो लिखा आता है फ्री, ठीक है, ये आइकन्स फ्री हैं। और जिनके ऊपर ये आप कर्सर लेके जाएंगे तो लिखा आता है प्रो, ये एक पेड इमेज है। अगर आपको परचेज करनी है तो या तो आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट होना चाहिए या फिर आप इस इमेज को वन टाइम के लिए बाय भी कर सकते हैं, वो इमेज आपके कैनवस में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए जो हमारा आइकन है वो हमारे कैनवस पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है, अगर आप मेरी इमेज को देखेंगे, मेरी इमेज में जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है ट्रेवल वाली, वो बहुत ही लाइट विजिबल होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, आप फिर से जाइए कैनवस में, आप जो ये ब्लैक लेयर है इसको थोड़ा सा नीचे करके, और जो आपका बैकग्राउंड इमेज है इसका आप एडजस्ट पे क्लिक कीजिए और ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दीजिए। ये देखिए आप ब्राइटनेस को थोड़ा कम करेंगे तो अब जो आपका आइकन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा और कम कर सकते हैं ब्राइटनेस को। अब देखिए अब जो आपका आइकन था ये ट्रैवल वाला कितना प्रॉपरली विजिबल हो रहा है, तो इसको आप रिसाइज करके जहाँ भी आपको लगाना है, देखिए ये आपकी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, आपको जहाँ भी ये लोगो चाहिए, ये आइकन चाहिए, वहाँ आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरी इमेज पर अब लिखा होता है टॉपिक बेस्ट ट्रैवल ब्लॉग्स, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक टेक्स्ट एलिमेंट ड्रॉप करना है। तो हम जाएंगे टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं ऑलरेडी, तो आप किसी भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल वाला ले रहे हैं, ऐड अ हेडिंग, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जैसे कि बेस्ट ट्रैवल ब्लॉग्स, ठीक है। इसको टाइप करने के बाद आप जहाँ पे इसको आपको प्लेस करना है वहाँ आप ड्रैग कर दीजिए, आप साइज को बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आपको इमेज को डिज़ाइन करना है वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद जब आपकी इमेज रेडी हो जाए, अब आपको इमेज को सेव करना है। सेव करने के लिए आप जाएंगे इस एरो पर, देखिए यहाँ पर एक एरो का बटन है, एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट PNG सिलेक्ट है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये इमेज को सेव करेगा और इसको आप अपने PC में, अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि इमेज कैसी बनी है। इसमें मैंने क्लिक किया, देखिए ये हमारे पास हमारी इमेज आ गई है। इस तरीके से आप जो भी आपको डिजाइनिंग करनी है, कस्टमाइज करनी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे पास ऊपर देखिए यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेड करना है आपको, येलो करना है, जो भी आपको कलर पसंद है वो आप कलर डाल सकते हैं। जो भी आपने इमेज यूज करी है उस इमेज के बेस पे भी आपको कलर्स ये शो करता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो कलर्स आपकी इमेज के अंदर यूज हुए हैं आप वो कलर्स भी यूज कर सकते हैं, ब्लू चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो इस टाइप से आप सारी एडिटिंग कर सकते हैं जो भी मैं अपनी इमेजेस में करता हूँ, ठीक है। ये तो है कि मैं किस तरीके से अपनी ब्लॉग की फीचर इमेजेस को यूज करता हूँ, किस तरीके से डिजाइन करता हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये कस्टम ग्राफिक्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो मैं बनाता हूँ अपने आर्टिकल में, ये आप किस तरीके से बना सकते हैं कैनवा का यूज करके फ्री में। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तो पहले ये सब कुछ हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया एक ब्लैक कैनवस। अब देखिए मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, जैसे कि इसको बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन आइकन्स हैं, बिजनेस सप्लायर, एफिलिएट मार्केटर और एक कस्टमर। तो ये हमारे पास तीन मैंने एक आइकन्स यूज किए हैं और बीच में हमारे दो एरोज हैं। तो इन आइकन्स को देखते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मुझे चाहिए एलिमेंट्स, यहाँ पर सर्च करते हैं बिजनेस, ठीक है। बिजनेस सर्च करके आपको जो भी आइकन चाहिए वो आप आइकन पिक कर लीजिए। तो जैसे कि कुछ अच्छा सा देखते हैं, चलिए ये देखते हैं, ठीक है। मुझे ये वाला चाहिए क्योंकि ये फ्री है, तो इस पर सिंपली एक क्लिक करते ही ये आपके कैनवस में आ जाएगा, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक एफिलिएट मार्केटर, तो इसके लिए हम लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं प्रमोशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आइकन आ गया है, ये इमेज मैंने यहाँ पे सेट कर ली। इसके बाद आपको चाहिए कस्टमर्स,
तो कस्टमर्स के लिए आप या तो कस्टमर लिख सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं पीपल। आप दो तीन अलग अलग टाइप से सर्च करके देखेंगे, मल्टीपल इमेजेस आएंगी, जो आपको अच्छी लगे आप वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो ये फ्री है, हमने क्लिक किया इस पे और ये हमारे पास आ गए कस्टमर्स। ठीक है, अब देखिए सारे काम बहुत इजी है, बिल्कुल फ्री टूल है। आप इजीली इस टूल का यूज करके अपने ब्लॉग के लिए, अपने YouTube चैनल के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने YouTube चैनल की इमेजेस कैसे डिजाइन करता हूँ। सारे काम मैं कैनवा से ही करता हूँ। ठीक है, हमें एरो दिखाना है तो आप इस एरो का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक एरो आ गया है, अब मुझे सेम एरो एक और यूज करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक शॉर्टकट है, आपने इस इमेज पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा डुप्लीकेट। आप इसको ड्रैग करके जहां पे आपको रखना है वहां पे रख सकते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में ये सिखा दिया है कि मैंने अपने आर्टिकल के लिए ये कस्टम ग्राफिक्स, ये वेक्टर्स किस तरीके से बनाए थे। ठीक है, तो अभी आप सीख गए हैं कि ब्लॉग के लिए इमेजेस कैसे डिजाइन करते हैं, कस्टम डिजाइन इमेजेस कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपने यूट्यूब के लिए सारे काम कैनवा में ही करता हूं। तो चलिए होम पर चलते हैं। देखिए जो भी आप इमेजेस बनाएंगे, जो भी आप डिजाइनिंग बनाएंगे, वो आप अपने होम पर आकर ऑल योर डिजाइन्स के अंदर देख सकते हैं। अब देखिए हमने ये इमेज बनाई थी, यहाँ पर आ गई है और ये मेरे सारे, देखिए ये मेरे यूट्यूब के थंबनेल्स हैं यहाँ पर, ये मेरे ब्लॉग के सारे फीचर्ड इमेजेस हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल का चैनल आर्ट है। ठीक है, ये सारे काम मैंने कैनवा से ही किए हैं, आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे यूट्यूब के सारे थंबनेल्स जो मैं कैनवा से बनाता हूँ। बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपको जो भी डिजाइन करना है आप इस टूल का यूज करके इजीली बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ मेरे सारे थंबनेल। ये देखिए जो भी ये थंबनेल हमने आपने देखे हुए हैं मेरी वीडियोस में जो भी लगते हैं, वो मैं सारे मैं कैनवास से ही डिजाइन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये एक थंबनेल आपने देखा हुआ है मेरी वीडियोस का, तो ये सारे थंबनेल्स मैंने कैनवा से ही बनाए हैं। और जैसे आपने यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है, इन टेक्स्ट का आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से फॉन्ट चेंज करके देखते हैं, तो मुझे चाहिए एंटन। ये देखिए मैंने एंटन में क्लिक किया और यहाँ पे हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है। आप फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये छोटा हो गया है, और इस एरो का यूज करके भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट को। ठीक है, आप टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे फीचर्स हैं, अलाइनमेंट है, बुलेट्स है, आप सब कुछ यहाँ से लगा सकते हैं और इजीली अपने ब्लॉग के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने आर्टिकल्स के लिए हर टाइप की इमेज आप यहाँ से इजीली डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप पिंटरेस्ट पर इमेजेस शेयर करते हैं तो कैनवा में उसके लिए टेम्पलेट्स हैं। अगर आप ई बुक डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। मैंने अपनी खुद की बुक द कंटेंट रूल बुक, उसका कवर, उसके अंदर के पेजेस, वो सब कुछ मैंने कैनवा से ही डिजाइन किया है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं ऐसी टिप्स, अपडेट्स और बहुत सारी ब्लॉगिंग की टिप्स शेयर करता रहता हूँ, और वहां पर आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने ब्लॉग को किस तरीके से डिजाइन करता हूँ, अपने ब्लॉग का लेआउट, उसका होम पेज, अंदर के आर्टिकल्स, सब कुछ मैं किस तरीके से डिजाइन करता हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।